नमस्कार, आप देख रहे हैं मेगा फैक्ट। मैं मुखातिब हूँ शुभम श्रीवास्तव। आज प्रयागराज में आए हैं हम लोग कुंभ का मेला देखने। ये वही कुंभ का मेला है जहाँ पे लोग दो भाई बिछड़ जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में, मूवीज़ में, जहाँ दो भाई बिछड़ जाते हैं, ये वही कुंभ का मेला है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग की गाड़ी करीबन 5 किलोमीटर दूर पे हम लोग को रोक दिया गया था। हालांकि कई गाड़ी यहाँ पे हम देख रहे हैं, 2-व्हीलर 3-व्हीलर, और हमारे साथ हमारी टीम है। हमारी टीम क्या, हमारे दोस्त हैं मनीष हैं, हमारे साथ प्रभात हैं, हमारे साथ कृष्णा हैं, कृष्णा, और हमारे साथ विशाल हैं। तो ये सारे लोग हैं और हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से और कुंभ के बारे में और जानेंगे। 12 साल में एक बार आता है, 12 साल के बीच में 6 साल में भी एक बार आता है, मध्य में आता है, जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं। ये मेन वाला कुंभ है, 12 साल में एक बार आता है। ये प्रयागराज है और उज्जैन में भी चलता है, और उज्जैन, और मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, प्रिपरेशन कुछ थी नहीं खास। और ये जो अभी वक्त हो चला है 4:19, करीबन हम बनारस से निकले थे 12 बजे से हम सफ़र करते करते रास्ते में रुकते, पैदल चलते चलते थक चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग नहाएंगे और फ़ोटो खिंचवाएंगे, खाना पीना खा के फिर बनारस की ओर रवाना होंगे। हमारे पास समय थोड़ा सा कम है दोस्तों, इसलिए मैं प्रभात को बुलाना चाहूँगा। प्रभात कुछ बताएंगे, कुछ आप सुन लीजिए, अच्छा बोलते हैं, अच्छे व्यक्ता हैं। लीजिए प्रभात, कुछ बताइए प्रभात। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और आज कुंभ की नगरी में शाही स्नान है। काफ़ी पवित्र दिन है आज, और आप देख रहे हैं पीछे ये लाइटिंग। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया है यहाँ पे। सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं यहाँ पे कुंभ की नगरी में, उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं। और आपको पता होगा कि शंकराचार्य जी ने जब हमारे देश में बहुत पहले हूड़ शुक्ल और बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, तो उस जमाने में हिंदू धर्म को बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों को बनाया था। ये सारे 13 अखाड़ों का आज शाही स्नान है यहाँ पे, और एक नया अखाड़ा जुड़ गया जिसको किन्नर अखाड़ा बोला गया है आज के समय में। और ये सभी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए आज प्रयासरत हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने नागा साधु, और कुंभ की नगरी में आज इस महाकुंभ के पर्व पे आज हिमालय से और कहाँ कहाँ से साधु जो कभी दिखते नहीं है आज आपको दिखेंगे यहाँ पे, और वो स्नान करेंगे और गंगा मैया की पूजा अर्चना करेंगे, महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। और मैं काफ़ी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज इस पावन पर्व पे मैं भी मतलब इस पर्व का मतलब एक तरीके से मैं भी स्नान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ अपने साथी गणों के साथ। मैं अपने विशाल यादव हैं यहाँ पे, शुभम श्रीवास्तव, मनीष कुमार, कृष्णा शर्मा, और मुझे काफ़ी फख्र महसूस हो रहा है, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है अपने आप पे कि हाँ मैं भी अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद एक चीज़ ये भी है कि कभी कभी वातावरण का भी बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक अच्छे वातावरण में आते हैं तो आपकी जो सोच होती है वो विकसित होती है, और उसी सोच के साथ जब मैं काशी से चला तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं अपने घर के बारे में सोच रहा था, अपने समाज के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही प्रयाग की नगरी में जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ, सिर्फ मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं। लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि जिसके द्वारा मैं काफ़ी आगे जो भी सफल प्रयास करूँगा उसकी सफलता अर्जित करूँगा। और मैं यही कामना करता हूँ कि यहाँ पे जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे स्नान करने के लिए आए और जो हमारे देशवासी जो यहाँ पे आ रहे हैं, भगवान ईश्वर से मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ। दोस्तों ये थे प्रभात, जिन्होंने अपने विचार को, थॉट्स को आपके सामने रखा। हम लगातार आते रहेंगे जितना हो पाए। कोई प्रिपरेशन नहीं थी दोस्तों इन सारे वीडियोस की, लगातार आना था, 2-3 हफ्ते से टाल रहे थे हम लोग, और थोड़ा व्यस्त भी था मैं, और परसों कुछ फंक्शन था घर पे, कल ऑफिस भी था, आज हम यहाँ पे हैं, कल फिर ऑफिस है। दोस्तों लगातार काम करते रहते हैं और हम सभी काम करते रहते हैं। वाइंड अप करते हैं दोस्तों, वाइंड अप करने से पहले हम एक एक करके सबसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सब लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, तो हम प्रभात से पहले पूछेंगे कैसा लग रहा है, क्या 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 कहना चाहेंगे इसके बारे में, बोलिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे वाकई काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। जब कुंभ स्टार्ट हुआ तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ,
और किसी कारणों से नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज आपके सौभाग्य से आपने काफ़ी प्रयास किया मुझे यहाँ पे लाने का, और यहाँ आने के बाद वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके लिए मैं जन्मों जन्म तक मैं आपका आभारी रहूँगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। 50 दिन का ये पर्व है, 4 मार्च को लास्ट है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। फटाफट मनीष आइए, क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है आगे? आगे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इसके पहले बस कुंभ के बारे में सुना था, जब यहाँ आया हूँ तब इसकी रियलिटी जाना हो कि यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग और इसका कितना उत्साह से मनाते हैं इस पर्व को, और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। भैया हमारे साथ ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए भैया। वीडियो देख रहे थे, मैंने कहा चलिए आप बोल दीजिए, कैसा लग रहा है, क्या है? कुंभ में आने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत आने का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, साफ सफाई सारी व्यवस्था भी अच्छी है, सारा व्यवस्था कुंभ में बहुत बढ़िया लग रहा है। आप यहीं के हैं? नहीं जी, गोरखपुर जिले के हैं। अच्छा अच्छा, बस घूमने आए हैं? नहीं, नहाने आए। अच्छा, नहाने आए, ओह ठीक है। नहीं आए, नहाने आए। और हमारे साथ कृष्णा है, कृष्णा कुछ बोलेंगे, क्या क्या मजा आ रहा है, नहाएंगे मेरे साथ? बिल्कुल भाई, आपके साथ ही नहाने आए हैं यहाँ पे, और जीवन की इन समस्याओं से दूर, वहाँ के कुछ भयभीत लोगों से दूर, जीवन में नई सच्चाइयाँ और उमंगों के साथ आगे बढ़ने की ओर बढ़ते हैं। अच्छा विशाल रहेगा, विशाल रात में दिन का भ्रम हो रहा है, इतनी लाइटिंग है व्यवस्था, इतने लाइटनिंग को देख के यहाँ पे दिन का ही तो आभास हो रहा है, और इतने दूर से बनारस से पावन धरती है ये इलाहाबाद की, हम लोग कुंभ स्नान, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज में हम लोग स्नान करने आए हैं। तो यही था वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर में कोई कमी मत रखिएगा, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे किसी और दिलचस्प टॉपिक और वीडियो के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब मेगा फैक्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।